Hello everyone. Today we will start with chapter Motion and Time, class 7th. In class 6th you have read about different types of motion. आपने class 6 में बहुत सारे motions पढ़े हैं, rectilinear motion और curvilinear motion, periodic motion, circular motion. अब some examples of different type of motion. अब डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन देखिए कैसे हैं. अब इन्होंने ये टेबल दी है, सोल्जर्स मार्चिंग इन द पास्ट, मार्च पास्ट, तो आप इसे कौन सा कहोगे, स्ट्रेट लाइन कहोगे. बुलक कार्ट मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट है. हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन द रेस, कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन, जो हैंड्स हैं वो कॉन्स्टेंटली आगे पीछे होते हैं. मोशन ऑफ द बाइसिकल, सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इट इज पीरियोडिक मोशन. एंड मोशन ऑफ पेंडुलम इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज मोशन. मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन. ठीक है, हम कब कहेंगे कि बॉडी मोशन में है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, तो हम कहेंगे द बॉडी इज इन मोशन. अब मोशन आर ऑफ टू टाइप्स, स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन. व्हाट इज स्लो मोशन, यदि हमारे व्हीकल है, कोई व्हीकल यदि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो हम कहेंगे स्लो मोशन. ठीक है, और यदि कोई हाईवे पे गाड़ी चलाता है तो हम कहेंगे फास्ट मोशन. तो हाउ विल यू डिफाइन स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन. इफ अ बॉडी कवर द डिस्टेंस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड फास्ट मोशन. एंड व्हेन इट टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब ज़्यादा टाइम लेते हैं तो उसे स्लो मोशन कहते हैं. ठीक है, तो पोजीशन ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, ये कुछ फिगर 13.1 में दिया हुआ है. कुछ लोग गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलाते हैं, उन्हें 2 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचने के लिए, तो वो कौन सा मोशन करते हैं, स्लो मोशन. नेक्स्ट टॉपिक कम्स स्पीड. तुम्हें पता है हम हाईवे पे तो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, ऐसे ही कहते हैं ना. हम ये तो नहीं कहते कि तुम्हें पता है हमने 30 मिनट्स में ना 60 किलोमीटर कवर कर लिए थे. नहीं, हम उस चीज़ को बताने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज स्पीड. तो हम स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया उसे कहते हैं स्पीड. और स्पीड हम किन दो यूनिट्स में मेजर करते हैं. स्पीड की दो यूनिट होती हैं, एक होती है मीटर पर सेकंड, एक होती है किलोमीटर पर आवर. The most convenient way to find out which one is moving with the up, यदि दो गाड़ियाँ चल रही हैं और आपसे पूछा जाए कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा तेज चल रही थी, तो आप दोनों की स्पीड मेजर करोगे. जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी जो है हम कहेंगे ये ज़्यादा फास्ट चल रही है. तो we call the distance covered by an object in unit of time is called speed. Now, what is average speed? Average speed को हम कैसे calculate कर सकते हैं? Average speed is total distance traveled divided by total time taken. Suppose करो हम कहें कि पहले 10 किलोमीटर जो है वो हाफ एन 1 आवर में गया है, फिर 30 किलोमीटर हाफ आवर में गया है, फिर 30 किलोमीटर 1.5 आवर में गया है. तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस. एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस जितना बॉडी ने कवर किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितना टोटल टाइम लगा उसे कहते हैं एवरेज स्पीड. नाउ अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन.
यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. और इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जाम्पल बॉडी हाईवे पे जा रही है, पहले 10 किलोमीटर उसने 5 मिनट्स में कवर किए, फिर 10 5 मिनट्स में. तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. अब कोई बिजी रोड है दिल्ली की, तो उसमें पहले 10 किलोमीटर्स किए उसने 1 आवर में, फिर 10 किलोमीटर किए उसने 3 आवर में, फिर 10 किलोमीटर किए उसने 30 मिनट्स में. तो अब देखो इक्वल डिस्टेंस है पर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, देन इट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नेक्स्ट कम मेजरमेंट ऑफ टाइम. आप टाइम कैसे मेजर करते हो? इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक तो हाउ वुड यू डिसाइड कि टाइम कैसे है? पहले ज़माने में लोग पहर से वेट कर लेते, पहर मतलब जैसे सुबह पहला पहर, दोपहर को दो, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर, ऐसे ये डिवाइड करते थे. बट अब तो लोग टाइम के हिसाब से, अब यदि आप पहर के हिसाब से तो चलोगे तो आप स्कूल टाइम पे कभी पहुंच ही नहीं सकते. तो धीरे धीरे हमारे एंसेस्टर्स ने क्लॉक को डिस्कवर करना शुरू किया. अब पहले क्या होता था कि पहले क्या किया इन्होंने, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक ये डिस्कवर की, फिर सन डायल. आप जंतर मंतर जाओ तो सन डायल देखोगे, उससे ये टाइम देखते थे. बट बाद में इन्होंने सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि ये जो है 1 मिनट में इधर से इधर, इधर से इधर घूमती रहती है, 1 सेकंड में सॉरी, और जो ये घड़ी जो है आपको पेंडुलम टाइम दिखाती. सिमिलरली अलार्म क्लॉक ये भी आपको एक्यूरेट टाइम बताती हैं. आजकल तो टाइम देखने की ज़रूरत ही नहीं, लोग वॉचेस कम लगाते हैं बिकॉज टाइम मोबाइल में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आता है. तो दिस इज़ वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक एंड दिस इज़ डिजिटल क्लॉक. डिजिटल क्लॉक जिसमें डिजिट्स